इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। इस देश में कानून का राज तो लगता है कि अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि एक समुदाय, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूं, जो समुदाय बहुमत में है, हिंदू धर्म के लोग, शायद कुछ भी कहकर बच सकते हैं, निकल सकते हैं, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। खुलेआम दूसरे धर्म के लोगों के लिए नरसंहार का आह्वान कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये सब कुछ करने वाले कौन होंगे? हिंदुत्ववादी संगठन के लोग होंगे, उस हिंदू युवा वाहिनी के होंगे जो अपने आप को योगी आदित्यनाथ का क्रिएटेड ब्रेन चाइल्ड मानता है। चैनल में काम करने वाला एक ऐसा संपादक होगा जो कि अपने अंदर जैसे कि बारूद लिए घूम रहा है, और कुछ भी अंटशंट नहीं, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये लोग बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ के, होश में, होश और हवास में ये लोग ये बात बोल रहे हैं, बोलकर निकल जाते हैं। तयशुदा कार्यक्रम होता है वहां पर, किसी को कोई प्रशासन को या सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती अनुमति देने में। वहां मुनव्वर फारूकी सिर्फ एक कॉमेडी शो करना चाहता है, वहां पर बैंगलोर में पुलिस उसको वो करने नहीं देती है, ये कहकर कि यहां पर धर्मों के बीच में दिक्कत हो सकती है, और यहां पर खुले तौर पर एक कार्यक्रम किया जाता है जिसमें वो खड़े होकर शपथ ले सकते हैं कि मुसलमानों का नरसंहार कीजिए, हाथ में जरूरत पड़े तो हथियार लीजिए, लोगों को मारिए काटिए। कार्यक्रम हो जाते हैं देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में, दिल्ली में, दोनों ही तरफ, एक तरफ बीजेपी शासित राज्य है और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय के अंडर। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या आप लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दंगे भड़के? 40 करोड़ मुसलमान हैं, उनके खिलाफ जरूरत पड़े तो हथियार उठाइए, मारना काटना पड़े तो अपने धर्म की रक्षा के लिए वो सब करना शुरू कीजिए। आज हम शपथ लेते हैं, अगर हम उस समय जब 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी कि इस देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा अधिकार अल्पसंख्यकों का है, हम होते उस वक्त तो उनको मार डालते। ये पूर्व प्रधानमंत्री के लिए बात खुले तौर पर कही जाएगी, और हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश की सरकार, देश के गृहमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर है कि इन लोगों के खिलाफ एक कदम नहीं उठा सकते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो हम क्यों ना समझें कि आप लोगों की शह में हो रहा है, आप लोगों की रजामंदी से हो रहा है। ये लोग जानते हैं कि इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, इसीलिए ये लोग बोलकर निकल जाते हैं, क्योंकि अगर ये पूरी सिचुएशन को आप सिर्फ मोड़कर देख लीजिए, दूसरे धर्म विशेष कोई भी और धर्म, हिंदू धर्म छोड़कर आप कोई भी दूसरे धर्म की बात कर लीजिए, अगर वो इस तरह की शपथ ले रहे होते हिंदू धर्म के खिलाफ, अभी किस किस तरह के ट्रेंड चल रहे होते, कितनी मांगे उठ रही होती इन लोगों की गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि पूरा शासन प्रशासन सोया हुआ है, अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तो इस तरह से आप लोग भड़काने की कोशिश करेंगे सिर्फ कुछ फायदे के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो चुप बैठे हुए, यति नरसिंहानंद भी इस ऐसी महफिल में मौजूद होकर ये सब चीजें बोलता है, उसके खिलाफ तो आप लोगों ने तभी कार्रवाई नहीं की जब आप लोगों की ही पार्टी की महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां वो कर रहा था। इतने आप लोग कमजोर हैं, और आज ये खड़े होकर खुले तौर पर एक धर्म के लोगों के लिए लगातार कह रहा है कि उनको मार दिया जाए, काट दिया जाए, नरसंहार कर लिया जाए, और आप लोग चुप बने हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं। मैं देश की सारी मीडिया के संपादकों से आज कहना चाहती हूं कि अगर सुरेश चव्हाण की इस तरह की बात, ऐसे कार्यक्रम में शामिल होता है, ऐसी बात करता है, ऐसी शपथ दिलाता है और खुद लेता है, और आप लोग शांत बने रहते हैं, देश के जितने प्रतिष्ठित, अपने आप को प्रतिष्ठित मानने वाले जितने मीडिया संस्थान है, जितने अखबार है, जितनी मैगजीन से जो काम कर रहे हैं, उनके संपादक, उनके सारे ओनर्स अगर आज चुप बैठे हुए, शांत बैठे हुए, इसके ऊपर कोई कार्रवाई की मांग नहीं करते, इसकी निंदा, इसका खंडन नहीं करते, इस आदमी की मुखालफत नहीं करते, इसे बॉयकॉट करने की मांग नहीं करते, तो आप ये मान लीजिए कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप सब लोगों की रजामंदी और आप सब लोग इस बात से सहमत है। आप सबके संस्थानों में भी मुसलमान काम कर रहे हैं ना, आप लोगों की यही जवाबदेही उन लोगों के प्रति? कैसी कैसी आंखें मिलाएंगे आप अपने संस्थान में काम करने वाले किसी मुसलमान हिस्से के साथ, उसकी आंखों में आंखें डालकर क्या आप बात कर पाएंगे, बोल पाएंगे कि आप लोग चुप बैठे हुए थे, आप लोगों ने कुछ कहा तक नहीं, इसके खिलाफ आप लोगों ने कोई मांग तक नहीं की? मैं बीजेपी का अश्विनी उपाध्याय, जो दिल्ली में जब एक कार्यक्रम हुआ था, जब मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह की बातें कही जा रही थी, उसके लिए भी वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन आदमी सुधरा नहीं, क्योंकि बड़ी अच्छी सख्त इसको सजा नहीं मिली ना, अच्छे सख्त धाराओं में इसको बंद नहीं किया गया। क्योंकि अगर यही अश्विनी उपाध्याय, कोई असलम आफ्ताब कुछ होता तो अभी तक तो यूआईपीए के अंदर बंद होता, लेकिन क्योंकि अश्विनी उपाध्याय था तो यूं चुटकियों भर में ऐसे छूट गया, और कुछ इनके साथ होने नहीं वाला, वो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए उसको पकड़ लिया गया, क्योंकि इसको पता था इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। आप लोग कर क्या रहे हैं? क्या आप लोग चाह रहे हैं कि इस देश में दंगे भड़क जाए?
सिर्फ इसलिए कि चुनाव आ रहे हैं और चुनावों में आपको जीत चाहिए, हिंदू मुसलमान करके देश की जनता के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें अगर कोई मरता है तो सभी धर्मों के लोग मर जाते हैं, उनके बारे में कौन सोचता है। आप लोगों को सिर्फ अपनी सत्ता में बने रहना है। आप सिंपल ये बताइए कि इसके लिए, और मैं तो देश के इस, मैं कोर्ट से पूछना चाहती हूँ, आप सब लोग छुट्टी मनाने चले गए हैं क्या, क्रिसमस की, न्यू ईयर की? दिखाई नहीं दे रहा है कि देश में हो क्या रहा है? खुले तौर पर, खुले आम इस तरह के दंगे भड़काने की बातें लगातार कार्यक्रमों के जरिए एक धर्म के खिलाफ की जा रही है। आप लोगों की आंखों के सामने दिन दहाड़े सोशल मीडिया पर आपके सामने सारे वीडियोस मौजूद हैं, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो रही। यही नरसिंहानंद, यति नरसिंहानंद, जो कि अब तो बल्कि महामंडलेश्वर बना घूम रहा है, किसने इसको ये बनाया, किसने इसको ये ताकत दी? यही सब चीजें बोल बोलकर एक धर्म के खिलाफ गंदगी बयां कर करके तो ये यहां तक पहुंच गया। और इसको पता है इसके खिलाफ आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों को ललकार रहा है, ये किसी और को नहीं ललकार रहा है, ये आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आपकी आंखों में आंखें डालकर ये बोल रहा है कि हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाओ। बहुत मजबूत प्रधानमंत्री बनते हैं आप, 56 इंची सीना लेकर आप घूमते हैं, आपके अंदर हिम्मत है तो हमें पकड़ के दिखाइए। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जिनको इस बात से आपत्ति थी कि मनमोहन सिंह ने 2006 में संसद में ये बात कही कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है। आपको अगर इस बात से आपत्ति है तो आपको आपत्ति सिर्फ इस बात से नहीं होनी चाहिए कि आई थिंक कि बराबरी का अधिकार होना चाहिए, राइट? तो बराबरी के अधिकार में आप ये करेंगे कि उल्ले काटे जाए राम राम चिल्लाएंगे? बराबरी के अधिकार की मांग करते हुए आप ये कहेंगे कि नरसंहार कर दो मुसलमानों के खिलाफ? ये कौन सी बराबरी है फिर? आप कैसे उन किसी भी उस आदमी से अलग हुए जो धर्म के नाम पर कट्टरता यहां पर फैलाता है? आप कैसे तालिबान से अगेंस्ट हो गए? आप कैसे तालिबान से अलग हो गए? ये सारे हिंदुत्ववादी, सॉरी, आई एम अ हिंदू एंड आई एम प्राउड टू नॉट बी अ हिंदुत्ववादी। आपका हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी, ये जो आपने एक परिभाषा गढ़ी है, वो मैं नहीं हूंगी। मेरा धर्म सिर्फ शांति बनाना, लोगों से प्रेम करना सिखाता है। जो आप कह रहे हैं हाथ में हथियार उठा लीजिए, लोगों को मार काट लीजिए, वो मेरा धर्म नहीं सिखाता, ना ही मेरे परिवार में कभी मुझे सिखाया गया, ना ही कभी धर्म के नाम पर इस तरह की हमारे किसी भी बिरादरी में ये बात सिखाई गई है। और मेरी ही तरह मैं जानती हूँ इस देश में कितने हिंदू हैं जो आप लोगों की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। आप बीजेपी के, आप आरएसएस के हिंदुत्ववादी बनते घूमते रहिए, हम आपके अंदर शामिल नहीं है, डोंट इक्वेट विद अस। तो जब आप बोलते हैं कि 100 करोड़ हिंदू है, सॉरी, आप हिंदुत्ववादी हैं, आप हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्ववादी नहीं हैं। इस बात को बहुत अच्छे से गांठ मार के बांध लीजिए। और जो तुम 100 करोड़ हिंदू करके उनकी आड़ में करने को कहते हो, हमको पता है कि तुम्हारे जो हॉल में कुछ चंद ऐसे नफरती लोग बैठे हुए हैं जिनके परिवार में कभी आज तक उनको कभी प्रेम ही नहीं सिखाया गया है, जिनको कभी प्रेम मिला ही नहीं है, वही सिर्फ चंद लोग हैं जिनको तुम लोग सिर्फ बरगला सकते हो। इस देश का हिंदू नहीं भड़केगा, क्योंकि इस देश का हिंदू हिंदू है, बीजेपी का हिंदू नहीं है। उसे अपना हिंदुत्ववादी हिंदू बनाने की कोशिश ना करें। और मेरे ही जैसे इस देश के कितने लोग हैं जो कि शांति प्रिय लोग हैं, जिनको सिर्फ शांति चाहिए, जिसको देश की सरकार से काम चाहिए, रोजगार दे नहीं पाते हो, महंगाई पे तुम बात नहीं करना चाहते हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरसों का तेल कितना महंगा, गरीब से जाकर पूछो जिसके घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ नहीं है, गैस का सिलेंडर फ्री में बांट दिया, उसके पास गैस डालने को उसके अंदर नहीं है, पैसा नहीं है, वो सारी बातें पीछे हो जाए। इस वजह से सारी चीजें करनी है आपको। ये बात बहुत अच्छे से लोग समझते हैं, इस देश का युवा ये बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। और इनके खिलाफ कार्रवाई इसीलिए नहीं होती है क्योंकि ये लोग इस तरह की बातें करते रहे, इस तरह का एक प्रोपेगेंडा आप लोगों के सामने नैरेटिव बिल्डिंग होती रहे, और फिर मदद किसको होगी ये सब जानते हैं। इस देश का हर नागरिक जो वोट करता है वो इतना समझदार है कि कौन सी चीज कहां पर हो रही है, जिसकी वजह से किस पार्टी को उसका फायदा हो रहा है। इसलिए आप देश को ना और देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। इसलिए ये 100 करोड़ हिंदू ये सब चीजें कहना, अपने मुंह पे ना टेप बांध लीजिए। हर आदमी, इस देश का ज्यादातर आदमी किसी भी धर्म का हो, कट्टर लोग तो हर धर्म में भरे पड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ चंद लोग होते हैं। दंगा भड़काने वाले लोग ना चंद ही होते हैं, और हमेशा शांति मांगने वाले, शांति पसंद करने वाले लोग हमेशा ज्यादा होते हैं, और हर धर्म में वो ज्यादा है, उसी तरह से हिंदू धर्म में भी वो लोग ज्यादा है। हमको अपने आप से, अपने गंदी घिनौने आइडिया से इक्वेट करना बंद कर दो। और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और मुझे इस बात पे कोई भी हैरानी नहीं है कि इस देश में, इस देश की सरकार इतनी मौन हो गई है ऐसे लोगों के प्रति। और जब ये लोग बराबरी के नाम पर ये सब आड़ में, बराबरी की आड़ में ये सब चीजें कर रहे हैं ना, बराबरी का मतलब होता है सबके खिलाफ भी,
उसी तरह से एक्शन लेना जो कोई भी गलत करे। फिर ये नहीं होगा कि आप एक धर्म के लोग और एक धर्म की भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग जो आपका समर्थन करते हैं उनको बचाने के लिए आप निकल पड़ते हैं, लेकिन बाकी सभी लोगों को जो आपके चाहे खिलाफ बोले, फिर चाहे वो आपके धर्म का ही क्यों ना हो, वो आपके खिलाफ बोले आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरे धर्म का आदमी हो और अगर आपके खिलाफ नहीं बोलता, ऐसे कितने लोग हैं इस देश में भी जो कि मुसलमान है लेकिन आपने उसको अपनी तरफ कर रखा है, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर वो आपको चुनौती देने वाला आदमी निकला उसके खिलाफ बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। तो ये आप लोगों की राजनीति आप सब समझ गए हैं। स्टॉप इक्वेटिंग योर सेल्फ विद अस। हमारा भारत जो पहले था, हमारा भारत आज, हम वही बनाकर रहेंगे और वही भारत शांति प्रिय भारत है। उसके अंदर इस तरह की नफरत फैलाने का काम आप लोग ना करें।